यहाँ के तीन गांव में ये रस्म निभाई जाती है, जहाँ दूल्हे की बहन दूल्हा बनकर अपनी भाभी से शादी करती है। उन गांवों का नाम अम्बाला, सुरखेड़ा और सनाड़ा है। यहाँ पहले बहन बारात लेकर जाती है, फिर अग्नि के सामने अपनी भाभी के साथ फेरे लेती है। भारत में शादी में निभाई जाने वाली रस्में बड़ी अलग अलग प्रकार की होती हैं। यहाँ कई रीति रिवाज होते हैं। ऐसे की एक रिवाज राज्य गुजरात के उदयपुर का है। कुछ दिन पहले यहाँ एक शादी हुई, जिसमें पहले दूल्हे की बहन ने दुल्हन से शादी की। इसके बाद वह दुल्हन को भाभी बनाकर घर लेकर आई। जानकारी के अनुसार यहाँ के तीन गांव में ये रस्म निभाई जाती है, जहाँ दूल्हे की बहन दूल्हा बनकर अपनी भाभी से शादी करती है। उन गांवों का नाम अम्बाला, सुरखेड़ा और सनाड़ा है। यहाँ पहले बहन बारात लेकर जाती है, फिर अग्नि के सामने अपनी भाभी के साथ फेरे लेती है और सारी रस्में निभाने के बाद बारात दूल्हे के घर लौटती है। कहते हैं कि यहाँ के आदिवासी लोग देव भरमादेव को अपना आराध्य देव मानते हैं, और यहाँ के लोगों का मानना है कि भरमादेव कुंवारे देव है, इसलिए अगर कोई भी लड़का यहाँ बारात लेकर जाएगा तो उसे देवता के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकोप से बचाने के लिए यहाँ दूल्हे की बहन बारात लेकर जाती है और अपनी भाभी से शादी करती है। फिर इसके बाद दोनों दूल्हे के घर आते हैं। लोगों का कहना है कि ये रिवाज सालों से चला आ रहा है। वही कुछ दिन पहले इस परंपरा को बदलने का प्रयास किया गया था, लेकिन शादी के दिन ही तीन दूल्हों की मौत हो गई। इसके बाद से ही तीन गांवों में यही प्रथा चलती आ रही है।